लाइट जल रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी चार्जिंग लाइट पे चार्जिंग का प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से ठीक करना है। तो यहाँ पर हमने इसको चार्जिंग पर लगा दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइट जलना चाहिए था और चार्ज होना चाहिए था लेकिन ये नहीं जल रहा है, और यहाँ पर चार्जर में देख सकते हैं लाइट जल रहा है। तो इसको किस तरह से ठीक करना है आज हम आपको सिखाएंगे, ऐसे देखेंगे भी इसका क्या क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ये एक बड़ा लाइट है, और सबसे पहले इसको हम आगे से खोलेंगे। इसके जो ये बल्ब है, चुंबक वगैरह है, यहाँ से हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको निकाल दिया है, और यहाँ से इसकी जो चुंबक है इसको निकालेंगे, और उसके बाद ये यहाँ से नहीं खुलेगा तो ये अंदर से इसका बैटरी और चार्जिंग सर्किट वगैरह जो है इसको इनको हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते चार्जिंग किट है, तो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू को निकालेंगे तो ये अंदर से बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से दोनों को निकाल के बाहर कर दिया है, और यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है चार्जिंग किट के अंदर, तो यहाँ से ना स्क्रू को खोल देंगे और अभी देखेंगे चार्ज पे लगा के। तो देख सकते हैं अभी चार्ज नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसकी पिन के अंदर से हमें करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर दो करंट कनेक्शन देख सकते हैं, ये प्लस ये माइनस देख सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीमीटर से देखेंगे करंट हमारा आगे आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हमारा सर्किट में प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है तो चार्जिंग पिन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं छूते ही हमारा चार्जिंग जो लाइट है ये ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी यहाँ पर इसका प्रॉब्लम है। ये जो चार्जिंग पिन के अंदर यहाँ पर जो इसका कनेक्शन सोल्डिंग किया हुआ है सर्किट के साथ, तो इसी में ही प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर इसका सोल्डिंग जो है निकल गया है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन यहाँ पर पास नहीं कर पा रहा है। मैं आपको दिखाता रहा हूँ, ये जो कनेक्शन है देख सकते हैं, इसको यहाँ पर प्रेशर देते ही हमारा जो चार्जिंग है वो लेने लग गया है, यानी इसका जो सोल्डिंग है यहाँ पर छूट गया है। तो यहाँ पर हम फिर से थोड़ा सोल्डिंग इसमें लगा देंगे और इसका जो प्रॉब्लम था मुझे लगता है दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सोल्डिंग को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों कनेक्शन में सोल्डिंग फिर से कर दिया है, क्योंकि ये चाइनीज़ माल है, उनका जो सोल्डिंग इतना मजबूत नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते कितना बड़ा लाइट है, और इसके अंदर सिर्फ दो बैटरी और ये चार्जिंग पोर्ट है, और इसके अलावा इसके अंदर ये है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दिया क्या कितना बड़ा दिया हुआ है, तो हमेशा लाइट लेते समय बड़ा साइज़ को देखना नहीं है। तो यहाँ पर हमने चार्जिंग पर लगा दिया है, अभी देख सकते हैं ये चार्जिंग हो रहा है। तो आपके सामने इसका जो प्रॉब्लम था हमने दूर कर दिया है।